ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता, बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारी बातें सीखी थी और हम इसी तरह से सभी ज्ञान की बातें यहाँ पर करते जाएंगे। आज मैं आपको 11th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स के कुछ अगले टॉपिक्स के बारे में समझाऊंगा। यहाँ पर इस वीडियो में हम इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू और सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू सेम ना हो, तब उसे हम इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास कहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी उसके बाइफर्केशंस के बारे में बता दिया था। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखने जाएंगे हमारा इलुस्ट्रेशन नंबर 3, जो आपके टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 21 पर आया हुआ है। आपकी स्क्रीन पर भी इक्वेशन देखने को मिलेगा। इससे पहले वाले इक्वेशन में हमने एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक बार मैं रीड कर लेता हूं क्वेश्चन को। ड्यूरिंग अ सीजन ऑफ 50 डेज द डेटा रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ रोजेस ग्रोन डेली ऑन द डिफरेंट प्लांट्स इन अ गार्डन आर गिवन बिलो। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो गार्डन में रोजेस के जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के एवरेज 50 डेज के एवरेज के यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ नंबर्स हैं हमारे पास। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट हैविंग वन क्लास एज 30 to 39। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड कर दिए थे कि नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पर 8 लेने थे, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ये डिसाइड कर दिया है कि आप जो क्लासेस प्रिपेयर करोगे उन क्लासेस में एक क्लास 30 to 39 का भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका किस तरह से करना है। यहाँ पे डेटाज आपको दिए हुए हैं जहाँ पे 34, 26, 45। मैं यहाँ पे रॉ वाइज डेटाज पढ़ रहा हूँ, तो सॉरी कॉलम वाइज डेटाज पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको कॉलम वाइज ही यहाँ पे फॉलो करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है, उस क्वेश्चन पर आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 पर है। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी मैंने सिखाया था कि जब कभी भी आप फ्रीक्वेंसी टेबल कंटिन्यू करो तो उसमें सबसे पहले आपको हाईएस्ट वेरिएबल ऑफ एक्स एंड लोएस्ट वेरिएबल ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेना है, जिससे कि हमारी रेंज का पता चल सके। हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्स आई द वेरिएबल। हाईएस्ट वेरिएबल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में 99, और लोएस्ट वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है 17। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। हाईएस्ट वेरिएबल मैंने फाइंड आउट किया, उसमें से हमें 99 है जो एक्स आई है वो सबसे हाईएस्ट दिख रही है और 17 जो है वो लोएस्ट दिख रही है। इसके बेसिस पे आपको रेंज निकाल लेनी है। रेंज का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझाया हुआ है। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट एक्स आई माइनस लोएस्ट एक्स आई। 99 माइनस 17, then you will get 82. 82 is the range. Range हम इसलिए find out करते हैं कि जिससे हम classes, number of classes का पता कर सकें। तो यहाँ पे 39 से लेके 30 से लेके 39 तक का यहाँ पे एक class create करना है, जिसकी वजह से अब हम यहाँ पे उस classes को create करने से पहले 30 to 39 की classes यहाँ पे बीच में आए, इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। चलो अब हम टेबल प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्लासेस डिसाइड कर लूं, क्लासेस जहां पे उस क्लासेस में आपको नंबर ऑफ रोजेस पता चलेंगे। नंबर ऑफ रोजेस विच आर प्रोड्यूसेस इन अ गार्डन। फिर हमें टेलीमार्क का एक कॉलम बनाना है जिससे कि हम उसे मार्क दे सकें
अपने नंबर्स को इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी जिसे हम fi से डिनोट करेंगे, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप क्रिएट करते हो तो इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि फर्स्ट वाली क्लास का अपर वैल्यू और सेकेंड वाली क्लास की लोअर वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। हमारी लोएस्ट वैल्यू 17 है, इसलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ 10 से, क्योंकि यहाँ पे मुझे 30 टू 39 की एक क्लास लानी है। तो अगर मैं 10 से स्टार्ट करूँगा तो 10, 20, 30 इस तरह से मेरी क्लास कंटिन्यू हो सकती है। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी करना है, इसलिए मेरी फर्स्ट क्लास होगी 10 टू 19। मैंने 10 टू 20 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंक्लूसिव क्लास हमें क्रिएट करनी है। 10 टू 19 के बाद तब की अगली क्लास होगी 20 टू 29। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है, फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू और सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। अगर वो सेम हो जाती है तो वो इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूसिव क्लासेस क्रिएट होगा और हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। फिर हमारी अगली क्लास आएगी 30 टू 39। फ्रेंड्स एज पर द क्वेश्चन 30 टू 39 की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। आगे 40 टू 49 हमें कहाँ तक जाना है, तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू 99 है, मतलब हमें 99 तक की क्लासेस क्रिएट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है 50 टू 59, देन 60 टू 69, 70 टू 79, 80 टू 89 एंड लास्ट वन इज 90 टू 99। 99 पे हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वेरिएबल जो है वो 99 है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ अब यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए अब टैली मार्क के हम सहायता से टेबल क्रिएट करेंगे। क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर कंटिन्यू मैं रख रहा हूँ, मैं कॉलम वाइज हम कंटिन्यू करेंगे उस क्वेश्चन को कॉलम वाइज। तो सबसे पहले है 34। अब इंक्लूसिव क्लास ध्यान रखते समय आपको ये माइंड में रखना है कि 10 से लेकर 19 तक की सारी वैल्यूज इसके अंदर आएगी, 20 यहाँ से स्टार्ट होगा, 29 तक की सारी वैल्यूज सेकेंड वाली क्लास में आएगी। इस तरह से हर एक क्लासेस की जो वैल्यूज हैं उनके जो टर्म्स हैं उनके बीच में ही वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आने वाली हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से करना है। नाउ कॉलम वाइज मैं पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू हमारी 34, 34 जो है वो 30 टू 39 के बीच में आएगा, वहाँ पे मैं वन टैली मार्क दूंगा। फिर 26, 26 20 टू 29 के बीच में आएगा, देन 45, 40 टू 49 के बीच में आएगा, देन 35, 35, 39 के बीच में आएगा, देन 46, अगेन 46 आया, यहाँ पे 40 टू 49 के बीच में आएगा, 55, 55, 50 टू 59 के बीच में आएगा, 37, 30 टू 39 के भी क्लासेस में क्रिएट आएगा, 65, देन 66 उसी कॉलम में उसी क्लासेस में, फिर 57, 57 यहाँ पे आने वाला है, देन 39, 39 यहाँ पर, फिर उसके बाद अगेन 65 आया, 65 यहाँ पर, फिर 39 अगेन आया, 39 पाँच बनाने हैं हमें, पाँच के बंडल्स बनाने हैं यहाँ पे, फिर 53 एंड 82 फास्ट करेंगे थोड़ा, 54 एंड 53 देन 85 देन 52 72 35 देन 69 71 and 19 देन 71 and 19 फर्स्ट वन, देन 71 84 फिर 18 हमारे फर्स्ट कॉलम में। ध्यान देते जाना है आपको, क्वेश्चन को कॉलम वाइज में सॉल्व कर रहा हूँ, कॉलम वाइज के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। देन 75 94 द लास्ट वन,
28 यहाँ पर सेकंड क्लास में, 74 34 74 34, फिर 47 47, 76 76, 24 52 52, यहाँ पर 84 99 64 84 99 64, यहाँ पे पांच का बंडल पूरा हुआ। फिर 96 19 96 then 19 then 75 75 then 23 18, अब दो दो ही बचे हैं, 23 and 18, फिर 33 27 33 33 and 87, यहाँ भी पांच का बंडल पूरा हुआ, सॉरी 87 नहीं था, 37 था, यहाँ पे भी हम चार ही रखेंगे, और फिर 27 मतलब यहाँ कंप्लीट हुआ, 51 and 17 51 and 17, यहाँ 39 38 39 and 38। इस तरह से हमने कॉलम वाइज जो हमारे नंबर्स थे उन नंबर्स को एज पर द टैली मार्क कौन से क्लासेस में आने वाला है उसे हमने टिक कर लिया है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी सीखा हुआ है। नाउ काउंट करने पर हमें क्या मिल रहा है, 5 का बंडल है, यहाँ पे भी 5 का बंडल है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 plus 3 8, यहाँ पे 5 टैली मार्क, यहाँ पे 5 plus 2 7, then there is a 4 and there is a 3। इस तरह से जब हम कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसकी टोटल करेंगे। कैलसी आपके पास है, आप जब इसकी टोटल करोगे तो आपको मिलने वाला है 50, जो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू और सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। अगर ये सेम हो जाती है तो उसे हम एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यही एक फंडामेंटल बेसिक थियरी है कि फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू और सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू मैच नहीं होनी चाहिए, वो अलग अलग होती है, क्योंकि वो इंक्लूसिव है, मतलब 10 to 19 में 10 to 19 के सारे डेटा इंक्लूड किए जाएंगे, 20 से 29 के सारे डेटा इस क्लास में कवर कर किए जाते हैं, इसलिए इंक्लूसिव क्लासेस इस तरह से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में आपके वीडियो में यहाँ पर स्क्रीनशॉट रख के भेज रहा हूँ, जिससे आप प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने मोबाइल को पॉज करके उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के उसमें से प्रैक्टिस कीजिए। और इस वीडियो से आपको इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने समझाया है, ये हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी अच्छी तरीके से कीजिएगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए आगे बनाते जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें सिखाता जाऊँगा, और इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।